Hey guys, what's up? Welcome back to our channel. तो दोस्तों आज है वीकेंड और सोचा क्यों ना वीकेंड पे बाहर जाके ब्रेकफास्ट किया जाए. आज हम क्या ब्रेकफास्ट कर रहे हैं? आज हम जा रहे हैं IHOP International House of Pancakes. और क्योंकि एक साल से ज़्यादा हो गया मैंने अमेरिका में पैनकेक नहीं खाया और IHOP से बेटर जगह क्या हो सकती है पैनकेक खाने के लिए. तो चलो चलते हैं IHOP. Let's hop on. और अभी चल रहा है सफाई अभियान. अमित कर रहे हैं कार की विंडोज क्लीन. इन्हें बिल्कुल भी फिक्र नहीं है कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है. चलो जी, हो गई सफाई. स्वच्छ भारत अभियान हो गई. ओके, गुड टू गो. यप, टाइम हो गया है सुबह के 11 बज रहे हैं और भूख बहुत तेज लग रही है. मैं पहली बार अमेरिका में पैनकेक खाने जा रही हूँ. डेफिनेटली इंडिया में तो पैनकेक मैंने काफी बार खाए हैं और इंडिया की जो पैनकेक्स का मेन्यू होता है उससे डिफरेंट मेन्यू यहाँ पे मुझे मिलने वाला है. तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि क्या कुछ चीज़ें मिलने वाली है. और एक और चीज़, आज वेदर इतना बढ़िया हो गया है. सुबह तो काफ़ी तेज़ धूप थी, अब एकदम से बादल आ गए हैं और बारिश वाला मौसम हो गया है. अच्छी बात यह है कि वीकेंड अच्छे प्लेजेंट वेदर में निकल जाएगा. अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा वेदर है बाहर. पहुंच गई हूँ IHOP. मेरे घर से काफी पास है, 1.5 माइल का ही डिस्टेंस है, तो 4 से 5 मिनट का ही रास्ता है. और ये रहा IHOP का पूरा रेस्टोरेंट और अभी हम जाएंगे अंदर. और यहाँ पे IHOP के बाहर काफी रश है. IHOP वेटिंग ना हो तो पहले तो पार्किंग के लिए जगह ढूंढ रहे हैं. मुझे लगता है कि वेटिंग तो शायद करनी ही पड़ेगी. अभी अंदर जाके चेक करते हैं. एनीवे, ये रेस्टोरेंट वैसे 24 घंटे खुले रहता है, 24 आवर्स. ये एक पॉपुलर अमेरिकन ब्रेकफास्ट डेस्टिनेशन है तो उसकी वजह से अभी 11:30 के अराउंड हो रखे हैं. लेट्स सी, अंदर जाके देखते हैं. बट आई कैन ऑलरेडी सी लोड ऑफ पीपल आउटसाइड वेटिंग. तो लेट्स सी. देख के लग रहा है काफ़ी वेटिंग है, काफ़ी लोग बैठे हुए हैं. बट अभी कोई अटेंडेंट आता है तो मैं उनसे पूछती हूँ कितनी वेटिंग और कितना टाइम लगेगा हमें टेबल मिलने में. तो या लेट्स सी. सो अभी वेटिंग है 5-7 मिनट्स की, ज़्यादा वेटिंग नहीं है. फाइनली टेबल मिल गया है और अब देखते हैं मेन्यू में क्या कुछ चीज़ है और जल्दी से अपने पैनकेक्स ऑर्डर करते हैं. तो विल गो विद वन स्ट्रॉबेरी बनाना पैनकेक्स विद हैश ब्राउन एंड अ कॉफी विद टू क्रीमर्स एंड टू शुगर. थैंक यू. कॉफी आ गई है साथ में, 2 क्रीमर और 2 शुगर. Why don't you make coffee for me? चलो मैं कॉफी टेस्ट करके बताती हूँ कैसी है. ओके, कॉफ़ी तो अच्छी होगी बट आई एम नॉट अ कॉफ़ी पर्सन. तो यहाँ पे कोरोना वायरस
वायरस पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए सिटिंग यहाँ पे जिगजैग बनाई हुई है। जैसे अगर इस टेबल के ऊपर हम बैठे हुए हैं तो उसके जो सामने वाला टेबल है उसके ऊपर कोई नहीं बैठेगा। यहाँ पीछे वाले टेबल पे लोग बैठ सकते हैं पर यहाँ पे कोई नहीं बैठेगा, ये वेकेंट रहेगा। तो इस तरीके से जिगजैग सिटिंग कर रखी ताकि जो दो टेबल्स हैं उसके बीच में 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन हो सके। यहाँ पे भी अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे एक टेबल पे लोग बैठे हुए हैं और पीछे वाला खाली छोड़ा हुआ है। ऑल्दो यहाँ पे वेटिंग है फिर भी ये टेबल खाली छोड़े हुए हैं जस्ट बिकॉज डिस्टेंस मेंटेन रहे और कोरोना वायरस के स्प्रेड को रिड्यूस करने में ये हेल्प कर सके। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, जस्ट लुकिंग एट माई इंस्टाग्राम, कुछ मैसेजेस आए हुए थे उनका रिप्लाई कर रही थी। और गाइज, अगर अभी तक आपने मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट नहीं किया है तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो। वहाँ पे इसलिए क्योंकि वहाँ पे टू वे कन्वर्सेशन हो सकती है। आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं अपने सभी मैसेजेस का रिप्लाई करूँ। आपका कोई मैसेज है तो आप मुझे ड्रॉप कर सकते हो, किसी फोटो पे टैग कर सकते हो, तो एक टू वे कम्युनिकेशन हम इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। सो गाइज, आई विल वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन इंस्टाग्राम। ब्राउन जो आलू को कद्दूकस करके एंड उसको स्टीर फ्राई किया हुआ है, एंड ये आ गया पैनकेक। आई कांट वेट टू ईट इट ऑल। स्टैक ऑफ 4 pancakes एंड स्ट्रॉबेरी एंड बनाना विद व्हिप्ड क्रीम ऑन द टॉप। जल्दी से उसको खा के बताती हूँ इसका टेस्ट कैसा है। सुपर सॉफ्ट, फुल ऑफ फ्लेवर। कौन से फ्लेवर है? धनिया, जीरा, कड़ी पत्ता, अजवाइन, ऐसा नहीं है, बहुत माइल्ड है। स्ट्रॉबेरी सॉस है ऊपर, उसका फ्लेवर आ रहा है। बहुत सॉफ्ट है और बनाना एंड स्ट्रॉबेरी का अच्छा टेस्ट आ रहा है। चलो खाते हैं, मिलते हैं खाना खाने के बाद। Oh my God. ये प्लेट गिर गई यहाँ पे। स्पून्स गिर गई हैं, स्पून्स इस कंटेनर में थी, पूरा गिर गया नीचे। What happened? अभी जो वेटर्स होते हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है। एक बार में कई बार रश पड़ जाता है तो ऑर्डर्स हैं, टाइम पे देने भी हैं। और यहाँ पे सिर्फ ये नहीं होता कि डाइन इन होता है, यहाँ पे हर रेस्टोरेंट में ना टेक अवेज भी होते हैं। तो जो ऑनलाइन ऑर्डर्स आते हैं वो अलग हैं और जो डाइन इन वाले ऑर्डर्स हैं वो तो अलग हैं ही। तो इनके ऊपर ना काफ़ी रश रहता है, जितने घंटे काम करते हैं पटक पटक इनको काम करना पड़ता है, इनको रेस्ट का बिल्कुल टाइम नहीं होता। टफ जॉब है, हम रियलाइज़ नहीं करते, बट सच में इन लोगों की जॉब काफ़ी टफ होती है। इतने घंटे चलना फिरना ईजी नहीं होता, so we should respect each and every job. That's a nice thought. Yeah. Is it for the camera? No. Is it otherwise also? And do you believe in this? Yes, I do believe. कोई CEO है कंपनी का, उसका काम भी आसान नहीं है। कोई लेबरर है, उसका काम भी आसान नहीं है। सबका काम मुश्किल होता है। Well, that's really a nice thought. I'm impressed. Thank you. Again. चलो हमने खा लिया है, प्लेट बिल्कुल साफ हो गई है। ओके देन, चलो बाहर चलते हैं। चलो बाहर चलते हैं, हाँ बाहर चल के आप लोगों से बात करते हैं। वेट, पैसे नहीं करने पे? हाँ पैसे तो करने ही आपको पे। चलो चेक मंगवा लेते हैं। या ओह, चेक इज ऑलरेडी हियर। थैंक यू। थैंक यू। यस श्योर, इट वाज रियली डिलीशियस। चलो चलो। तो गाइस, ये था मेरा
मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो गाइज प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो मैं इसी तरीके की वीडियोस बनाती हूँ अमेरिकन कल्चर और अमेरिकन लाइफस्टाइल के ऊपर, तो जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो तो ध्यान रखना साथ में बेल आइकन है उसको भी प्लीज साथ में जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपके पास सभी नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। क्या हुआ? तो गाइस अगर आप लोग भी मेरे साथ इंटरनेट पे कनेक्टेड हैं।